चर्चा करेंगे नेतृत्व से कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए और कांग्रेस अकेला लड़े, और जितने सरकारी जमीन है जिन जिन लोगों ने कब्जा किया उसे मुक्त करेंगे 6 महीने के अंदर, और जिस भी नदी नाला पर माफियाओं ने घर बनवा दिया उस घर को नदी नाला से मुक्त करें। 6 में सिर्फ खगड़िया आप हमको 2 दे दो, 2 4 किसी जात पात वाले को दे दो। 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ रुपया में, 100 करोड़ रुपया में कोई आदमी MLA बन जाता है, मंत्री बन जाता है, MP बन जाता है, अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे थे, खगड़िया में कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वागत समारोह में बुलाया था। देखिए, पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे थे और स्वागत समारोह में किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ पप्पू यादव किस तरीके से जो है शिरकत कर रहे हैं। अब देखिए, जब पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे बात किया तो देखिए किस तरीके से बिहार के राजनीति पर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के आला नेतृत्व से जो है बड़ी मांग कर दिया। बिहार के राजनीति में पप्पू यादव का बड़ा नाम है। पप्पू यादव आए दिन जो है बिहार में कई बार जो है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर जो है सवाल उठाते रहते थे, हालांकि आम लोगों को भी मदद करते हैं पप्पू यादव। इस बार पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से उन्होंने बड़ी मांग कर दी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिलहाल 1 वर्ष की अभी देर है, लेकिन इससे पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस से बिहार में अलग चुनाव लड़ने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 जो सीट है 2 विधानसभा सीट की भी उन्होंने मांग की है कांग्रेस से। उन्होंने कहा है कि 2 विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस हमें दे। इसके साथ उन्होंने बिहार की तमाम राजनीतिक दलों को भी खड़ी खड़ी सुनाया। उन्होंने कहा है कि यदि हम सरकार में आएंगे तो बिहार में जो शराब माफिया है, जो जमीन माफिया है, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की हुए उनसे हम मुक्त कराएंगे। हालांकि क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव सुनिए इस वीडियो। कंप्लीट रूप से आम आदमी की इकोनॉमी को बस, आज खगड़िया में हमारे नेताओं की इच्छा थी तो हमारे नेताओं के रेस्पेक्ट के लिए हमने कहा 6 में सिर्फ खगड़िया आप हमको 2 दे दो, 2 4 किसी जात पात वाले को दे दो। और कभी कभी आस्था जो होता है जिसको हम देखते नहीं, मिलते नहीं, जो आदमी की कभी बात नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, किसी को जाना नहीं, दलित कमजोर का घर नहीं देखा, वो भी MLA MP मंत्री बन जाए और खगड़िया ऐसे लोगों को वोट दे दे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं, तो निर्लजता पार कर। इसीलिए गलत लोगों का प्रवेश हो गया है। 40 करोड़ 60 करोड़ 80 करोड़ रुपया में, 100 करोड़ रुपया में कोई आदमी MLA बन जाता है, मंत्री बन जाता है, MP बन जाता है, अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, संविधान के लिए। मांगी क्या वो आपके 2 सीटें निर्दलीय आपके कैंडिडेट होंगे या पार्टी बना के खड़ा करेंगे? भैया हम कांग्रेस के साथ है, आप चिंता ना करिए। अभी हम काम करने आए हैं कोशिश सीमांचल के आम लोगों के लिए, जब पार्टी की बात होगी तब करेंगे। अभी हम बिहार की जनता के लिए, खगड़िया से बिहार की जस्टिस के लिए हम 2 सीट मांगने का बात। पप्पू यादव पुनः पार्टी बनाने जा रहे हैं भैया, हमने कहा 2 सीट मांगने हैं तो पार्टी बनाने का क्या मतलब हो गया इसमें? आप बेफिक्र रहिए ना, आपको जनवरी फरवरी तक सब कुछ दिख जाएगा। और हम चाहेंगे, हम आग्रह करेंगे नेतृत्व से कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए और कांग्रेस अकेला लड़े। बिहार में जिस तरीके से स्कूल में अब अपराधी घुस के टीचरों को मारपीट रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, हम फालतू बात नहीं करते। जिन लोगों ने कोई गरीब का घर थाली नहीं देखा, जेब से रुपया नहीं निकाला आजादी के बाद से आज तक, बड़े बड़े घरों में रहे, महल में रहे, इतने बड़े बड़े विभाग होने के बावजूद एक क्रांति नहीं कर पाया, जो डिप्टी CM है, जो डिप्टी CM थे, वो बताएं आज तक एक काम क्या किए? और क्या आप अपने ब्लॉक में RTPS में भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए, आधार कार्ड में कर दिए, राशन कार्ड में 3400 रुपया कर दिए? हम 6 महीने के अंदर सबका राशन कार्ड बना के कम्प्लीट कर देंगे और राशन कार्ड बनाने के लिए लोग जाएंगे। सर जिस तरह हर शहर में होल्डिंग टैक्स मुक्त करेंगे, बोझ नहीं पड़ने देंगे, 5 डिपार्टमेंट को मिला करके अलग अलग करके होल्डिंग टैक्स काम को क्लियर करें।
और जितने सरकारी जमीन है जिन जिन लोगों ने कब्जा किया उसे मुक्त करेंगे 6 महीने के अंदर, और जिस भी नदी नाला पर माफियाओं ने घर बनवा दिया उस घर को नदी नाला से मुक्त करें। हम आए हैं खगड़िया, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के आम आदमी के रोजगार का, उसके पलायन को रोकने का, बाढ़ से मुक्ति का, और 6 महीना तो 6 महीना, 7वां महीना नहीं होगा, साल भर के अंदर मेडिकल सिस्टम को बिल्कुल आम आदमी के लिए आजाद करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, खगड़िया पहुंचे थे सांसद बनने के बाद, पहली बार पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे थे, उनके कार्यकर्ता उन्हें स्वागत समारोह में बुलाए थे, और पप्पू यादव किस तरीके से बिहार के राजनीति पर जो है बड़ा बयान दे दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।